नमस्कार मित्रों, मैं राजेश शुक्ला आपके YouTube चैनल इंजीनियर 2.0 का आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए समय को मैं गवाते हूँ, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने दो श्वसन की चर्चा कर ली थी, आज के वीडियो में आठवें टॉपिक में हम यण श्वसन की चर्चा करेंगे। यण श्वसन आज के टॉपिक में हम यण श्वसन की चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं इसके पहले वीडियो में या इसके पहले जहाँ पर बताया जा चुका है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यण श्वसन की परिभाषा क्या है। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि हमेशा आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है कि संघ में दो पद रहेंगे, दोनों में से पूर्व पद होगा और दूसरा उत्तर पद होगा। हमें पूर्व पद के अंतिम वर्ण की मात्रा से मतलब होगा और उत्तर पद के पहले वर्ण से, ठीक है। आइए परिभाषा देखते हैं। जब पूर्व पद के अंत में ई, ओ या री आए तथा उत्तर पद के पहले कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए आई तो पुनः एक बार समझ लीजिए कि जब पूर्व पद के अंत में ई, ओ, री से कोई वर्ण आ जाए तथा उत्तर पद के पहले कोई भी भिन्न स्वर आए, ठीक है। तो जब ई प्लस भिन्न स्वर का मिल होगा, भिन्न स्वर का मिल होगा तो यानी अर्ध या का निर्माण होगा। जब ऊ धन भिन्न स्वर का मिल होगा तो वा का निर्माण होगा और जब री धन भिन्न स्वर का निर्माण होगा तो रा का निर्माण होगा। यानी इसमें भी तीन वर्णों को हमें ध्यान रखना है कि यण श्वसन में कितने वर्णों का निर्माण हो रहा है, तो या वा और रा, ठीक है। यण श्वसन में किन किन वर्णों का निर्माण हो रहा है, या वा और रा। इससे पहले की संधि की अगर हम चर्चा करें, तो उसमें दीर्घ स्वर संधि में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ का निर्माण हो रहा था। फिर हमने चर्चा की उपोण स्वर संधि की, तो उपोण स्वर संधि में ए, ओ और अर का निर्माण हो रहा था। तीसरे संधि में हम देख रहे हैं यण स्वर संधि है, यण स्वर संधि में किसका किसका निर्माण हुआ, या व और रा। इन्हीं वर्णों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आप समझ गए होंगे। आइए उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो उदाहरण देखते हैं, जैसे सबसे फेमस और सबसे प्रसिद्ध उदाहरण देखते हैं सुधन आगत। हमें पूर्व पद का अंतिम तो ये स्वयं ही अंतिम हो गया और उत्तर पद का पहला। दोनों पदों से हमें क्या निकालना है, तो दोनों पदों से हमें मात्रा निकालना है। स्वर संधि के दोनों पद की मात्राओं को ही हमें देखना रहेगा। तो देखते हैं सा भी कौन सा मात्रा है, उत्तर पद में कौन सा मात्रा है आ, और आप मेल से क्या बन रहा है वा। हमने देखा ऊ प्लस भिन्न स्वर के मेल से क्या बनता है वा। आप ऐसे देखिए कुआ 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 बोलिए वा ही निकलेगा मुझसे, अगर आप यहाँ पे कुआ बोलेंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा मुझसे वा ही निकलेगा और वही आपका निर्माण होगा, ठीक है। अब आइए जोड़ते हैं ऊ और आप मेल से क्या बना वा, लेकिन ये आता है। अब देखते हैं इसे जोड़ना कैसे। तो हमेशा हमेशा प्रथम पद के या पूर्व पद के अंतिम वर्ण को आप आधा करके, पूर्व पद के
अंतिम वर्ड को आप क्या करेंगे, आधा करके लिख देंगे और जिस वर्ड का यहाँ आप निर्माण किए रहेंगे उसे उसी में जोड़ देंगे। धन क्या बचा है? आगर। ध्यान से फिर से समझ लीजिए कि यर्ड्स और संधि को जोड़ते समय क्या करेंगे कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण को, अभी तो ये अकेला है लेकिन आपके रोल में ये रहेगा कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण को आप क्या करेंगे, आधा करके लिख देंगे। ठीक है, फिर जिस वर्ड का निर्माण आप यहाँ किए रहेंगे उसे उसी में जोड़ देंगे। हालत ये सही, धन उत्तर पद को जैसे का जैसा उतार देंगे। अब देखिए वह यहाँ आधा है, ये आ का मात्रा भी इस पर लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका स्वर्ग। ठीक है, यहाँ पे हमें उत्तर पद को गायब नहीं करना है। उम्मीद कर देंगे आपको सामने आ गया होगा आई। और दूसरा उदाहरण देखते हैं, उदाहरण है सुधन अच्छ। ठीक है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण का मात्रा उ हो गया और उत्तर पद का मात्रा क्या है, आ है। उ प्लस भिन्न स्वर की वजह से क्या बना, वा। पुनः वही करना है, पूर्व पद के अंतिम वर्ण को आप क्या करेंगे, आधा करके लिख देंगे। जो वर्ण आप यहाँ बनाए हैं उसी को उसमें जोड़ देंगे। धन जो उत्तर पद है उसे जैसे का तैसा एक बार उतार लीजिए, समझ लीजिए। अब ये वह आधा है, जब ये छोटा का मात्रा इस पर लगेगा तो ये पूरा हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, स्वच्छ। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए एक और उदाहरण इसका देख लेते हैं। जैसे जोड़ लेंगे, धन उत्तर पद को आप जैसे का वैसा उतार देंगे। अब यहाँ पे ये आधा है, इस मात्रा को आप इसमें लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्वान। उम्मीद करते हैं इतनी बात आप समझ में आ गई होगी। यदि इसमें ऐसा कुछ भी रहे जो ना समझ आए तो पेज से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। ये नुवाब हो गया, तीनों में रूल वही करना है, ऑटो रूल हमेशा वही फॉलो करना है। जैसे वी धन आकरण, वी धन आकरण पूर्व पद का अंतिम मान लेते हैं, उत्तर पद का पहला। वा पे कौन सा मात्रा है, ई का है। उत्तर पद में कौन सा है, आ का है। ठीक है, ई धन भिन्न स्वर की वजह से क्या बनता है, या। वहाँ उवा बोल रहे थे तो वा निकल आता है, यहाँ या बोलेंगे तो या निकलेगा। आप उच्चारण कीजिए मात्रा को तो निकल आएगा, वहाँ पे वा निकल रहा था और या निकल, या मतलब या। ठीक है, ई धन भिन्न स्वर की मेल से क्या बन रहा है, या बन रहा है। ठीक है, जोड़ते समय फिर वही रूल फॉलो कीजिए, पूर्व पद के अंतिम वर्ण को आप आधा करके उतार दीजिए। ठीक है, यानी वा को हमने आधा लिख दिया, जो वर्ड हमने यहाँ बनाया उसी को उसमें जोड़ देते हैं, धन जो बचा है उसे जैसे का तैसा उतार देते हैं। ठीक है, अब ये या आधा है, जब ये आ का मात्रा इस पर लगेगा तो ये पूरा हो जाएगा, ये बन जाएगा व्याकरण। ठीक है, क्या बन गया, ये व्याकरण बन गया। उम्मीद करते बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए एक उदाहरण और देख लेते हैं। अति धन अधिक, तो यहाँ पे हमने कहा कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का पहला वर्ण, यहाँ से हमने निकाला तो ई का मात्रा निकला और यहाँ से आ का। पुनः हम देख रहे हैं कि ई और भिन्न स्वर के मिल से क्या बनेगा, या।
या, क्या बन रहा है या बना, जोड़ते समय वही कार्य करना है कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण को आधा करके लिख देना है, तो बनेगा अत। हमें ता को आधा कर दे, पूर्व पद के अंतिम वर्ण को क्या करेंगे आधा करके लिख देंगे, फिर जो वर्ण यहाँ बना है उसी को जोड़ दीजिए, धन उत्तर पद को जैसे का वैसा उतार दीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ जा रहे होंगे। अब ये या आधा है, जब ये आ का मात्रा इस पर जोड़ेगा तो या पूरा हो जाएगा, यानी हलंत है छोटा आ जो इस पर आएगा तो हलंत हट जाएगा, क्या बन जाएगा अत्यधिक। उम्मीद करते हैं इतनी बात या समझ गए होंगे, जोड़ने के लिए नियम आप समझ गए होंगे कैसे जोड़ना है, ठीक है। आइए रा का उदाहरण देखते हैं। हमने आपसे कहा था पूरे संघ में तीन बार रा का वर्णन होगा, तो एक बार रा का वर्णन वर्ण कर चुके हैं जड़ में, मातृ धन आज्ञा। हमने अभी कुछ भी इसके पहले बताया था शायद आपको कि जब किसी वर्ड के पहले रहता है और जब किसी वर्ड के बाद रहता है तो दोनों की अवस्थाएं अलग होती हैं। जब किसी वर्ड के पहले रहता है तो अपने बाद वाले वर्ड के ऊपर लगेगा, और जब किसी वर्ड के बाद रहेगा तो अपने पहले वाले वर्ड के नीचे लगेगा। तो ये आपका पूर्व में था, ये आपका किसी में आ जाएगा जड़ में। अब देखिए ये रूल कैसे लागू होगा। आप उच्चारण करते हैं मातृ त्रि, यानी ता के बाद हम रा बोल रहे हैं, मातृ क्या बोले मातृ, यानी ता के बाद रा का उच्चारण कर रहे हैं। हमें ये पता चल रहा है कि ता के बाद रा, जब किसी वर्ड के बाद रहता है तो अपने पहले वाले वर्ड के नीचे लग जाता है, ये हमें बताया था। तो ये क्या बन गया मातृ बन गया, हम आज्ञा जैसे का ऐसा मान लीजिए। अब यहाँ पे आत्म मात्रा ला के जोड़ दीजिए, क्या बन गया मात्रा। आपको इसमें कुछ करना ही नहीं था, ता के बाद रहा है, ठीक है, जब किसी वर्ड के बाद रहता है तो अपने पहले वाले वर्ड के नीचे लग जाता है, वो मात्र बन गया, धन आज्ञा है ही आपके पास, फिर दोनों को जोड़ दीजिए, वो आपका क्या बन गया मात्रा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आइए एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे मातृ धन आदेश, पूर्व पद का अंतिम उत्तर पद का पहला, यहां से निकला री और यहां से निकला आ, री और आ की मेल से बनता क्या है रा, ठीक है, री और आ की मेल से क्या बना रा। तो जब किसी वर्ड के बाद रा आता है यानी री है तो अपने पहले वाले वर्ड के नीचे लग जाता है, ठीक है। जब किसी वर्ड के बाद रहता है तो अपने पहले वाले वर्ड के नीचे लग जाता है, तो यहाँ देख रहे हैं ता के बाद आ रहा है, तो हमें करना क्या है, रा यानी ता के या ता के नीचे रा का निर्माण कर देना है। हमने अभी आपसे बताया कि जब किसी वर्ड के बाद रहता है तो अपने पहले वाले वर्ड के नीचे लग जाता है, तो ये रा का मात्रा है वो ता के नीचे आ गया, बाकी को जैसा कि वैसा उतार दीजिए। पुनः इस मात्रा को आप त्रा के लगाएंगे तो ये बन जाएगा मात्रा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की चर्चा आपको समझ में आ गई होगी। तो जोड़ने के सारे नियम आपको यहीं तक देखने हैं। आइए हम देखते हैं पहचान कैसे करेंगे। जैसे अत्यावश्यक, अत्यावश्यक, दूसरा द्वार, दूसरा द्वार, और तीसरा कर देते हैं पितृ नुमत, पितृ नुमत। अब तो आइए देखते हैं पहचान करते हैं, पहचान कैसे करेंगे। यड़ स्वर संधि की पहचान करते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि आधे वर्ण के बाद, यदि आधे वर्ण के बाद या अथवा वा आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि वो यड़ स्वर संधि बन सकता है,
आप ये नहीं कह सकते कि बनेगा ही, लेकिन आप कह सकते हैं कि बन सकता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे आधे ता की बात यह है, यानी आधे वर्ड की बात फिर हुआ है और यहाँ पर आधे ता की बात रहा है, ठीक है। तो जब भी आधे वर्ड के बाद या वा या फिर रा दिखाई दे तो आप समझते हैं कि उल्लर्ष वर्षन बन सकता है। अब हमें तोड़ते समय क्या ध्यान रखना है, अगर या है बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर या है तो मात्रा ई का, अगर वा है तो मात्रा ऊ का। बस इतना आपको समझना है कि अगर या है तो मात्रा ई का लगाना है, अगर वा है तो मात्रा ऊ का लगाना है। तो आइए तोड़ते हैं। कभी भी यह श्वसन का विच्छेद करना हो तो यदि आधे वर्ड की बात या वा दिखे तो उस आधे वर्ड का उतार लीजिए, उस आधे वर्ड का उतार लीजिए। हमने कहा यदि या होगा तो आप मात्रा किसका लगाएंगे, ई का लगाएंगे, ठीक है। फिर या पे जो भी मात्रा होगा उसी को उत्तर पद में वर्ड बना देंगे, आपका विच्छेद हो जाएगा, यानी अतिघन आवश्यक। वही रूल आपको इसमें करना है, यदि आधे वर्ड के बाद या अथवा वा दिखे तो आप उस आधे वर्ड तक उतार दीजिए। यदि या था तो मात्रा ई का लगा, हमने बताया यदि वा होगा तो मात्रा ऊ का लगाएगा, ठीक है। अब वा पे जो भी मात्रा होगा उसी को उत्तर पद में वर्ड बना दीजिए। यह आपका हो गया बोधन आदि। फिर से समझ लीजिए कि आधे वर्ड के बाद यदि या है तो आप उस आधे वर्ड तक उतार लीजिएगा, और यदि या है तो मात्रा उस आधे वर्ड पे ई का लगाइएगा, उसके बाद उस या पे जो भी मात्रा होगा उसी को उत्तर पद में वर्ड बना दीजिएगा। दूसरी चीज, यहाँ पर हमने देखा कि आधे वर्ड के बाद वा है, हम आधे वर्ड को उतार लिए। फिर हमने देखा कि आधे वर्ड के बाद वा था तो हमने मात्रा कौन सा लगाया, ऊ का लगाया। अब उस वा पे बड़ा का मात्रा है तो उसी को उत्तर पद में हमने क्या बना दिया, वर्ड बना। अब यहाँ पे देखते हैं रा, हमने एक रा आपको बताया कि यदि शब्द के अंत में ऊपर आधार आएगा तो पूर्ण श्वसन, वो पहला रूप था। दूसरा रा समझिए, यदि शब्द के बीच में नीचे आधार आ जाए, यदि शब्द के बीच में नीचे आधार आ जाए तो आप समझ जाएगा कि यड़ श्वसन भी है। यदि शब्द के बीच में कहीं पर भी बीच में नीचे आधार आ जाए तो आप समझ जाइए कि आपने यड़ श्वसन लिया है। आपको कुछ भी नहीं करना है, जिस अक्षर के नीचे आधा रा होगा उसी के नीचे आकर री बना दीजिएगा, ठीक है। और उस इत्र हो गया ताप एक छोटी का मात्रा दिख रहा है तो उसी को उत्तर पद में वर्ड बना दीजिए, ठीक है। शब्द के बीच में नीचे आधारा यह स्वर संधि बन गया, ठीक है। जिस अक्षर के नीचे आधारा होगा उसी अक्षर के नीचे री बना दीजिए, और उस ताप जो भी मात्रा हो या जिस पे भी उस अक्षर पे जो भी मात्रा होगा उसी को उत्तर पद में वर्ड बना दीजिए। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो यड़ स्वर संधि की चर्चा में आपको इतना ही देखना है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। हम फिर से आपसे ये कह रहे हैं कि कभी भी संधि को आपको ध्यान में रखने के लिए अधिक से अधिक अभ्यास करिए, जितना ही आप अभ्यास करेंगे उतना ही बेहतर आपके लिए तैयार होगा। आज के वीडियो में हम यहीं तक की चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में हम वृद्ध स्वर संधि की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।